एक कुड़ी जिदा नाम मोहब्बत, गुम है गुम है वो साध मुरादी सोनी भबत, हर तूफान के आने के पहले होता है एक सन्नाटा, लेकिन उड़ता पंजाब का तूफान तो कुछ ऐसा था कि उसके आने से पहले ही बवंडर मच गया। और अब जो बॉक्स ऑफिस पर तूफान आ रहा है उसे देखकर तो ऑब्वियसली खुशी होगी आप दोनों के चेहरे पर। हाँ डेफिनेटली, आई थिंक बहुत अच्छा लग रहा है कि फाइनली लोगों का रिस्पॉन्स मिल रहा है, विच इज़ सो गुड एंड वेरी ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स। एंड ऑब्वियसली आलिया, आप क्या कहना चाहेंगी? काफ़ी तारीफें हो रही हैं आपके किरदार को भी लेकर के। नहीं, बहुत खुशी हो रही है ऑफकोर्स कि फिल्म पहले तो रिलीज़ हुई ऑन द रिलीज़ डेट जिसके लिए हमने स्लेट किया था, एंड आई एम वेरी हैप्पी, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है एंड पीपल आर लाइकिंग द फिल्म विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जितनी भी कंट्रोवर्सी हुई फिल्म के रिलीज़ को लेकर के, पहले लगता था कि वो विवाद इतने ज़रूरी थे, खास करके जब कोर्ट ने इस सारे विवाद को पहले ही हल कर दिया? जैसे सब कह रहे हैं कि नाउ फाइनली आई थिंक दिस प्रोडक्ट इज़ the audience, the film is the people's product now. I think that जितना लोग ban करना चाहते हैं इस film से, उससे ज़्यादा I think लोगों ने, audience ने बहुत support दिया है। Exactly, जिस तरह का response आया है weekend के जो collections आए उसे देख करके, तो obvious सी बात है कि अब एक खुशी पूरे खेमे में मच गई होगी। हाँ नहीं, definitely आई थिंक जिस इंटेंट से हमने ये पिक्चर बनाई थी पहले से, उसमें बहुत ऑनेस्टी थी, बहुत ही प्योरिटी थी, तो आई थिंक उसी वजह से हम वी वन ऑल द केसेस एंड नाउ वी वन पीपल्स हार्ट्स आल्सो, सो आई थिंक द जेन्युइननेस ऑफ द प्रोडक्ट हैज कम अक्रॉस। हाउ वाज द रिएक्शन ऑफ फैमिली जब उन्होंने ये फिल्म देखी, खास करके आपके किरदार को देखा और एक नया आलिया को लोग देख रहे थे? आई थिंक मेरी मॉम डैड ने देखी है, माई सिस्टर स्टिल इज नॉट वॉचिंग है क्योंकि उन्हें डर लग रहा है थोड़ा सा पर दोनों को बहुत पसंद आई, दे वर वेरी इमोशनल, वेरी हैप्पी, उनको एक्चुअली सब कैरेक्टर्स, सब परफॉर्मेंस बहुत अच्छे लगे, द फिल्म रियली स्टेड विद बोथ ऑफ देम। वर्गी सीरत दियो मरियम लग करीना, आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपने कैरेक्टर को लेकर के जिस तरह की संजीदगी दिखी है आपके फिल्म में, उसके बारे में क्या कहेंगे? आई थिंक ऑफकोर्स जिस तरह का कैरेक्टर लिखा गया था, यू नो अभिषेक ने जिस तरह ही उन्होंने विजुलाइज किया था, आई थिंक उसी तरह आई थिंक स्क्रीन पे आया है, बिकॉज ये जो डॉक्टर प्रीत की जो कैरेक्टर है, आई थिंक इट्स अ रे ऑफ होप, क्योंकि इतने सारे बाकी सब इतने डार्क कैरेक्टर्स रहे हैं, दैट दिस वॉज आई थिंक दी ओनली कॉन्शियंस, दी ओनली एंकर इन द फिल्म। और उड़ता पंजाब को लेकर जैसे रियलिटी को दिखाने की कोशिश की गई है, काफ़ी अब तक ऐसा होता रहा है कि भाई जब रियलिटी फिल्मों की बात आती है तो बड़े स्टार्स दूर रहते थे, लगता है अब ये ट्रेंड भी टूटेगा इससे? आई होप, क्योंकि देन आई थिंक द मोर व्यूअरशिप रियलिटी को सब्जेक्ट को लेकर द बेटर ना, ज़्यादा लोग देखेंगे, ज़्यादा एजुकेशन मिलेगी, एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग दैट वी ऑल कम टुगेदर टू डू। कितनी तैयारियाँ की थी आपने इस किरदार को लेकर के, खास करके जो लैंग्वेज पे जो पकड़ रहती है उसको लेकर के? क्या नहीं, ऑब्वियसली मैंने बहुत जोर से तैयारी की, क्योंकि आई डेंट वॉन्ट द लैंग्वेज टू बी अ बैरियर ऑन सेट। मुझे एक मैंने जितने भी डायलॉग्स थे, इतने डायलॉग्स नहीं थे फिल्म में, बट जितने भी थे मैंने आई थिंक वन एंड हाफ मंथ्स आई जस्ट सैट एंड मग्ड इट ऑल अप, क्योंकि ऑन सेट मुझे इमोशन पे कॉन्सेंट्रेट करना था, एंड आई एम रियली हैप्पी क्योंकि अभिषेक और पंकज त्रिपाठी जी जिन्होंने मुझे हेल्प किया था, उनसे सपोर्ट मिला था, एंड विद देयर गाइडेंस आई मैनेज्ड। एंड गालियों को लेकर कभी परहेज नहीं हुआ था? नहीं, मैं कैरेक्टर में थी ना, तो आई मीन आई एम नॉट सेइंग इट एज आलिया, आई एम सेइंग इट एज मेरी जेन, सो इट्स ओके। एंड करीना, जहाँ सब गालियाँ दे रहे थे आप फिर भी काफी मतलब कह सकते हैं साफ सुथरा कैरेक्टर था। नहीं चाहिए थी क्योंकि एंड में क्या नहीं, एक्चुअली द ओनली पर्सन जिन्होंने गाली नहीं दी एंड जिन्होंने ड्रग्स भी नहीं लिया, क्योंकि एक सीन में तो सरताज को भी पीछे इन लोग मार देते हैं ड्रग्स से, तो आई थिंक दैट या आई एम द ओनली वन इन द फिल्म दैट हैज यू नो इज द मोस्ट सोबर इन द फिल्म। जशनपुरा में जो हो रहा है उसका आइडिया है, अमृतसर का, तरन तारण का, पंजाब का है आइडिया आपको? दो अलग अलग ड्रग्स है जो सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन पे बिकनी चाहिए, पर आप लोगों की मेहरबानी है कि बनाने वाले ये कॉकटेल बना भी रहे हैं और बेचने वाले खुलेआम बेच भी रहे हैं। सारे गबरू तो सुइयां लगा के टाइट है मैडम,
अब लेडीज को कुछ करना पड़ेगा ना। जितना हमें डर लग रहा था कि भाई ये पंजाब में कहीं ना कहीं बैन हो जाए, लेकिन आज देखा जा रहा है कि वहीं पर सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट किया जा रहा है। लोग ऑब्वियसली देख रहे हैं फिल्म का, अच्छे कलेक्शन वहाँ से आ रही है, क्या कहेंगे? आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट, क्योंकि सच्चाई को लेकर अगर आप सपोर्ट करोगे वहाँ से हैं। वैसे भी पंजाब इस फिल्म में बैकड्रॉप है, बट द इशू इज़ ऑल थ्रू द वर्ल्ड, थ्रू द कंट्री, और हम ऐसे पंजाब को सिंगल आउट नहीं कर सकते, इट्स अ पार्ट ऑफ द कंट्री, सो इट इज़ द कंट्रीज प्रॉब्लम। तो ऑल टुगेदर उनसे ज़्यादा सपोर्ट देखे, देन यू कैन सी कि उनको भी चेंज चाहिए, दे ऑल्सो वॉन्ट थिंग्स टू चेंज फॉर देमसेल्व्स। आई थिंक दैट जिन्होंने देखी है, आई थिंक नोबडी कैन एवर से कि इस फिल्म में देयर इज एनीथिंग रॉन्ग, बिकॉज इन फैक्ट मेन स्ट्रीम एक्टर्स ने, जैसे आपने कहा, इतनी रियल सब्जेक्ट, इतनी डिफिकल्ट सीरियस सब्जेक्ट उठा के हम चारों ने फिल्म बनाई है एंड फॉलोड अ डायरेक्टर्स गट्स एंड ब्रेवरी, आई थिंक दैट इज द ह्यूजेस्ट थिंग एवर। एक्सपेक्ट की करीना अब आगे भी इस तरह के किरदार को लेकर के ओपन रहेंगी? हाँ, आई थिंक ऑलवेज इन माय करियर आई हैव ट्राई टू बैलेंस कमर्शियल एज वेल एज यू नो रियल काइंड ऑफ सिनेमा, सो आई मीन इफ देयर इज अ रोल एंड आई लाइक इट डेफिनेटली। आई कंप्लीटली अग्री कि एक बैलेंस होना चाहिए, सो आई थिंक फॉर दैट रीजन ओनली एंड ऑल्सो जस्ट टू हैव फन फॉर योर सेल्फ, या इट्स नॉट अबाउट टेकिंग इट सो सीरियसली ऑल द टाइम, यू हैव टू हैव लिटिल फन। एंड फाइनली टू योर ऑडियंस, जिन्होंने इतना अच्छा मतलब कहते हैं कि वेलकम दिया है आपकी फिल्म को, क्या कहना चाहेंगे उन्हें? कि जाके फिर से फिल्म देखिए अगर ऑलरेडी देखी है, तो जिन्होंने नहीं देखी तो प्लीज़ जाके देखिए। थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट एंड लव जो आई थिंक उड़ता पंजाब को मिला है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, एंड आई थिंक इट्स ओनली बिकॉज ऑफ आर फैंस। एक कुड़ी जिदा नाम मोहब्बत गुम है, गुम है, गुम है। Oh,